हेलो एवरी वन वेलकम बैक इन अनदर एपिसोड टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम स्पेशल वर्ड्स वर्ड्स आर फैमिली जी आपने बिल्कुल सही सुना हम आज डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड्स के बारे में बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और बहुत ही यूजफुल वीडियो होने वाली है तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें तो देखिए डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड्स क्या है यानी इंटैरोगेटिव सेकंड यानी जिनसे हम सवाल करते हैं ठीक है इंटेरोगेटिव सेकंड में हम जिन जिन वर्ड्स का यूज़ करते हैं क्वेश्चन वर्ड्स जिन्हें हम कहते हैं वो सारे डब्ल्यू एच फैमिली में आते हैं वैसे तो डब्ल्यू एच फैमिली में नौ मेंबर्स होते हैं लेकिन नौ मेंबर्स तो एक बेसिक लेवल पर है लेकिन इसके आगे लेवल पर भी बहुत कुछ है हम आगे चल करके बहुत सारे ऐसे वर्ड्स को देखेंगे जो आपके डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होते हैं आप लोगों के माइंड में भी वो आते होंगे लेकिन आप सोचते हो इसको इंग्लिश में कैसे बनाएं तो आज आप लोगों की वो कन्फ्यूजन मिटाने वाला हूँ ठीक है तो देखो डब्ल्यू फैमिली के बेसिक नाइन मेंबर्स के बारे में पहले जान लेते हैं वट वट का मीनिंग क्या होता है आप सबको पता है क्या बेसिक चीजें हैं ये आपको लग रहा होगा लेकिन आगे चल करके आपको लगेगा कि हाँ ये चीज मुझे नहीं पता थी ठीक है वट का मीनिंग क्या होता है क्या लेकिन साथ में जो भी होता है क्यों होता है देखो तथ्य क्या है फैक्ट ये है कि जब वट का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्य में यानी इंटेरोगेटिव में किया जाता है तो वट का अर्थ जो निकलता है वो क्या निकलता है लेकिन जब वट का प्रयोग कंजंक्शन की तरीके से यूज़ होता है कंजंक्शन की तरह यूज़ होता है तो वट का अर्थ जो निकलता है ठीक है आगे बढ़ते हैं वाई वाई का मतलब क्या होता है क्यों आप सबको पता है हु का मतलब क्या है हु का मतलब होता है कौन जो भी होता है ठीक है अब ये जो क्यों होता है जैसे जो रीज़न मैंने ऊपर बताया वट और जो के लिए वही रीज़न यहाँ पर भी है ठीक है अगला देखो वेयर का मतलब होता है कहाँ जहाँ कहाँ तो इसका मतलब पता था जहाँ तभी होता है जब हम इसका यूज़ कंजंक्शन के तरीके से करते हैं अगला विच विच का मतलब कौन सा कौन सी कौन से जब इसका यूज़ हम कंजंक्शन के तरीके से करते हैं तो इसका अर्थ जो निकलता है ठीक है और हुज़ हुज़ का मतलब किसका जिसका जब हम कंजंक्शन के तरीके से हुज़ का यूज़ करते हैं तो जिसका निकलता है इसका अर्थ ठीक है हुम की बात करें तो किसे किसको किससे जैसे मैंने कहा ये किससे लेकर के आए हो तो तब यहाँ पर हम होम का यूज़ करते हैं वह किससे बातें कर रहे हैं तब हम यहाँ पर होम का यूज़ करते हैं समझ आ रहे हैं अगला देखो हाउ ये तो पता ही है कैसे वैन कब और जब वैन मतलब कब और जब जब हम इसका कंजंक्शन के तरीके से यूज करते हैं तब ये जब का अर्थ निकालता है क्लियर है तो बात यही खत्म नहीं होती है अभी तो मैंने स्टार्ट किया है तो ये देखिए आपकी स्क्रीन पर इतने सारे वर्ड्स हैं ये सारे इंटेरोगेटिव वर्ड्स हैं ठीक है आप दिन भर में जितने भी सवाल करते हो वो इसी में ही होंगे आप इनको एक बार स्क्रीन पॉज करके पढ़ें ठीक है फिर हम इन्हीं सबको आगे वीडियो में इन सबको समझेंगे इनकी मीनिंग समझेंगे इंग्लिश में आप सोच रहे होगे ये सब तो बहुत आसान है लेकिन आप थोड़ा ध्यान दें कि यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स को रिपीट करके लिखा हुआ है दो बार तीन बार लिखा हुआ है तो ऐसा क्यों उन सब चीजों को हम समझेंगे ठीक है तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले मैंने कैटेगराइज कर लिए हैं जो कितने से बनने वाले सवाल हैं वो पहले लिख दिए हैं ठीक है अब इनकी इंग्लिश हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि कैसे बनेगी सबसे पहले देखो कितने जिन्हें गिना जा सकता है फिर है कितना जिन्हें नहीं गिना जा सकता है बात को समझो वो जो चीज़ें सारी चीज़ें जो गिनी जा सकती हैं जिनको काउंट कर सकते हो आप उन सब के लिए हम हाउ मनी वर्ड का यूज़ करते हैं और जो चीज़ें गिनी नहीं जा सकती हैं उन सब के लिए हम हाउ मच का यूज़ करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे वाटर है अब वाटर को आप तो गिन सकते नहीं हो ना वन वाटर टू वाटर्स थ्री वाटर्स ऐसे तो नहीं कह सकते ना तो इसके लिए हम हाउ मच का यूज़ करेंगे हाउ मच वाटर ठीक है हाउ मैनी का यूज़ हम किसी भी काउंटेबल चीज़ के लिए करते हैं काउंटेबल नाउन वैसे काउंटेबल नाउन क्या होता है उसको हम बाद में देख लेंगे ठीक है फिलहाल आप ये याद कर लीजिए अब अगला देखिए कितना सुंदर उसके लिए आप इंग्लिश वर्ड यूज़ करोगे हाउ ब्यूटीफुल ठीक है हाउ ब्यूटीफुल अगला है कितनी दूर तो आप बोलोगे हाउ फार ठीक है इसको इंग्लिश में बोलोगे हाउ फार अगला है कितना अच्छा तो हाउ गुड ठीक है कितना लंबा हाउ लॉन्ग कितना पुराना या कितना बड़ा उम्र में ठीक है कितना बड़ा या कितना पुराना तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं हाउ ओल्ड किसी से आप एज पूछते हो कि आप कितनी उम्र के हो या आप कितने बड़े हो कितनी उम्र के हो तो आप क्या कहते हो हाउ ओल्ड आर यू अगला देखो कितनी जल्दी इसके लिए इंग्लिश होगी आप यूज़ करोगे हाउ सून ठीक है हाउ सून अगला है कितने भाई अब भाई भाई तो काउंटेबल होते हैं ना तो इसलिए आप क्या लगाओगे हाउ मनी ब्रदर्स सही है कितने तारे अभी तारे तो काउंटेबल होते हैं हाँ जी होते हैं बिल्कुल होते हैं इसलिए आप लगाओगे हाउ मेनी स्टार्स कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे सर तारे तो अनगिनत होते हैं हम तो उसे गिन ही नहीं पाएंगे कितने हैं ए, एक बात मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा तारों को गिन सकते हो लेकिन कितने हैं नंबर्स में कितने हैं ये आप नहीं गिन पाओगे आपके लिए बहुत ही मुश्किल भरा काम है लेकिन काउंट तो कर सकते हो ना आपकी ये एक दो तीन चार ये तारे हैं समझ रहे हो ना तो इसके लिए हम हाउ हाउमनी का ही यूज़ करते हैं जैसे आप अपने हेयर्स की बात कर लो आप हेयर यानी बालों की बात कर लो तो बाल भी काउंटेबल हैं गिन सकते हो आप उन्हें ठीक है वो क्वांटिटी जो काउंट हो सके उसके ही साथ हम हाउ मैनी का यूज़ करते हैं अगला है कितना पानी तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे हाउ मच वाटर ठीक है अनकाउंटेबल है इसलिए हमने हाउ मच वाटर बोला ऐसे कितने लोग क्या होगा इसके लिए हाउ मेनी सच पीपल ठीक है हाउ मेनी सच पीपल कितनी चीनी हाउ मच शुगर कितने किलोग्राम चीनी हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ शुगर अब इन दोनों चीजों को समझो कितनी चीनी कितने किलोग्राम चीनी कितनी चीनी का मतलब है यहाँ पे अनकाउंटेबल से ठीक है और कितने किलोग्राम चीनी इसका मतलब है काउंटेबल से इसलिए हमने यहाँ पे हाउ मेनी किलोग्राम्स लिखा है और ऊपर चीनी के लिए यानी शुगर के लिए हाउ मच लिखा है यानी शुगर को आप दाने दाने थोड़ा ना आप काउंट करते हो आप तो किलोग्राम में शुगर को काउंट करते हैं ना तो किलोग्राम काउंटेबल हुआ ना शुगर थोड़ा ना काउंटेबल हुई है अगला देखो दूध के कितने गिलास इसके लिए हम क्या बोलेंगे हाउ मनी ग्लासेस ऑफ मिल्क अगर यहीं पर मैंने कहा होता कितना दूध तो हम बोलते हैं हाउ मच मिल्क है ना फ़र्क क्या है काउंटेबल और अनकाउंटेबल का अगर ग्लास की फॉर्म में है तो काउंट तो काउंट कर सकते हैं हम और अगर ग्लास की फॉर्म में नहीं है तो हम उसे काउंट नहीं कर सकते वन मिल्क टू मिल्क ऐसे नहीं बोल सकते ठीक है वन ग्लास ऑफ मिल्क बोल सकते हैं ठीक है तो इसलिए दूध के कितने गिलास तो हाउ मनी ग्लासेस ऑफ मिल्क कितना दूध हाउ मच मिल्क सही है आगे देखो मेरे कितने भाई हाउ मेनी ब्रदर्स ऑफ mine? तुम्हारे कितने भाई हाउ मेनी ब्रदर्स ऑफ योर्स यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि मेरे कितने भाई आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा मेरे के लिए तो माई होता है हमने माइन क्यों लिखा तुम्हारे के लिए तो योर होता है योर्स क्यों लिखा इसके पीछे के जो जवाब हैं वो मैं जब सेंटेंस में इसका यूज़ करूँगा तो उसमें क्लियर करूंगा अभी आप इनको याद कर लो ठीक है अब आगे बढ़ते हैं हम अपनी अगली कैटेगरी की तरफ किस शब्द से बनने वाले सवाल यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो कितने सारे शब्द हैं सवाल हैं जो किस शब्द से बने हुए हैं ठीक है आइए हम इनको एक एक करके इनका इंग्लिश मीनिंग देखते हैं सबसे पहला है किसके साथ यानी इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होगा विद होम ठीक है इसका मीनिंग होगा विद होम अगला देखो किसके लिए फॉर होम ठीक है अगला किसके बारे में किसके बारे में अबाउट होम ठीक है किसकी तरफ किसकी तरफ जब भी हम की तरफ आते हैं हमारे पास तो हम उसके लिए इंग्लिश में क्या बनाते हैं टूअर्ड्स ठीक है तो टूआर्ड्स होम किसकी तरफ टूआर्ड्स होम किसके द्वारा बाय होम अगला है किस लिए और जिस लिए दोनों के लिए अब हम क्या बनाते हैं फॉरवर्ट ठीक है फॉरवर्ड जब हम कंजंक्शन की तरह से इसका फॉरवर्ड का यूज़ करेंगे तो इसका मीनिंग निकलेगा जिस लिए ठीक है आगे चलते हैं किस तरह से इन वट वे ठीक है इसको आप इंग्लिश में ऐसे बोलोगे इन वट वे किस तरह का वट टाइप ऑफ किस तरह का आप बोलते हो ना किस तरह का इंसान है वो वट टाइप ऑफ ठीक है आगे देखो किस ऑफिस से अगर आपको बोलना है किस ऑफिस से आ रहे हो तो आप किस ऑफिस से के लिए क्या लगाओगे फ्रॉम विच ऑफिस आगे देखो किसके ऑफिस से फ्रॉम हुज ऑफिस किसके के लिए हम तो हुज लगाते हैं ना फ्रॉम हुज ऑफिस अगला देखो किस लड़के के साथ विद विच बॉय ठीक है विद विच बॉय अगला देखो किस शहर की तरफ टूआ्स विच सिटी किस शहर की तरफ टूआ्स विच सिटी अगला किस गली से फ्रॉम विच स्ट्रीट अगला देखो किस बंदूक से बाय विच गन देखो गली से से के लिए हमने फ्रॉम लगाया था बंदूक से यानी यहाँ पे से के लिए हमने बाय लगा दिया ऐसा क्यों ये प्रिपोजिशन है प्रिपोजिशन में बाय जो होता है वो के द्वारा के सेंस में यूज़ होता है के द्वारा कभी कभी हम के द्वारा को से के सेंस में भी यूज़ कर लेते हैं ये पेंसिल से लिख लो ऐसा बोलते हैं ना पेंसिल से लिखो यानी पेंसिल के द्वारा लिखो तो बाय पेंसिल वहाँ पे यूज़ होगा फ्रॉम पेंसिल नहीं होगा समझ आ गया अब आगे देखिए किस गिलास में तो इसका होगा इन विच ग्लास अगर मैं यहीं पर कहूँ कि किस क्लास में तो इसका मतलब होगा इन विच क्लास समझ गए हो? ऐसे ही इन विच कॉलोनी किस कलोनी में इन विच सिटी किस शहर में इस फॉर्मेशन का यूज आप हर जगह कर सकते हो इसी तरीके का सेंस बनाने में जैसे मैंने अभी किए आगे देखो किस तरह के लोग अब इसके लिए इंग्लिश क्या बनाओगे आप वट काइंड ऑफ पीपल वट टाइप ऑफ पीपल वट सॉर्ट ऑफ पीपल हाँ जी ये तीनों एक ही के लिए यूज होते हैं लेकिन इनका यूज़ अलग अलग जगह पे अलग अलग मतलब के लिए होता है आप किसी का भी किसी भी जगह पर यूज़ नहीं कर सकते हो हाँ इनमें कुछ डिफरेंस है वो जब मैं इसका यूज़ सेंटेंस में लूँगा तो आपको इस चीज़ का बिल्कुल क्लियरिफिकेशन दूँगा ठीक है अभी आप सिर्फ याद कर लो ठीक है आगे देखो किसके बेटे के लिए अब इसके लिए आप क्या बनाओगे फ़ॉर हुज सन होता है किसका किसकी किसके है ना तो आप कैसे बोलोगे किसके बेटे के लिए फ़ॉर हुज सन ठीक है अगला है किस समय तो आप इसके लिए क्या बनाओगे वट टाइम सही है अगला देखो किस तरह की किताब वट काइंड ऑफ बुक ठीक है आप बुक की जगह पर किताब की जगह पर कोई भी चीज लगा सकते हो वट काइंड पेन व्हाट काइंड ऑफ जीन्स वट ऑफ शर्ट सही है अगला देखो किस लड़की का भाई विच गर्ल्स ब्रदर ठीक है विच गर्ल्स ब्रदर अगला देखो किस स्कूल का विद्यार्थी विच स्कूल्स स्टूडेंट अगला देखो किस कंपनी के लिए फॉर विच कंपनी ठीक है ये ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी ओके okay, अब आगे बढ़ते हैं कब शब्द से बनने वाले सवाल देखो कब तक कब से? कब से कब से कब से मैंने तीन बार कब से क्यों लिखा तीनों की हिंदी तो सेम है लेकिन इंग्लिश अलग अलग है और इनका अलग अलग जगह अलग अलग सेंस में यूज़ होता है देखो कब तक के लिए हम क्या यूज़ करेंगे टिल वन ठीक है अनटिल वन अगला देखो कब से? कब से का मीनिंग होता है सिंस वन और दूसरे कब से का मतलब है फ्राम वन और तीसरे का है फॉर हाउ लॉन्ग तीनों का अलग अलग अर्थ है ठीक है ये जब हम कंजेंशन वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें हम इसका बाखूबी यूज़ करेंगे ठीक है और इसका आराम से आपको मतलब समझ में आ जाएगा अभी आप इन्हें याद कर लें कि कब से को हम इंग्लिश में तीन तरह से बनाते हैं सिंस वेन फ्रॉम वेन फॉर हाउ लॉन्ग ठीक है अब याद कर लें अच्छे से समझेंगे बाद में आइए आगे बढ़ते हैं कुछ और यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड हैं जैसे पहला है जो कोई भी अब इस जो कोई भी के लिए आप क्या यूज़ करोगे हु ठीक है आप जो कोई भी के लिए हु का यूज़ करोगे अब आगे देखो जो कुछ भी को मैंने तीन बार लिखा हुआ है यानी तीन बार लिखा हुआ है इसका मतलब अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से यूज़ होगा पहले देखो जो कुछ भी के लिए हम वट ऐवर का यूज़ करेंगे ठीक है फिर जो कुछ भी के लिए हम विच ऐवर का यूज़ करेंगे फिर जो कुछ भी के लिए हम विच सो ऐवर का यूज़ करेंगे ठीक है फ़र्क क्या है वो हम कंजंक्शन वाले टॉपिक में बिल्कुल क्लियर कर लेंगे अभी आप इन्हें याद कर लें अब यहाँ कुछ और शब्द हैं देखो जैसे कहाँ से जहाँ से तो इसके लिए आप क्या बनाओगे फ्रॉम वेयर ठीक है कहाँ से इंटेरोगेटिव में अगर फ्रॉम वेयर का यूज़ करोगे तो उसका मीनिंग निकलेगा कहाँ से अगर आप कंजेंशन के तरीके से यूज़ करोगे तो उसका मतलब निकलेगा जहाँ से ठीक है फिर अगला देखो और क्या और क्या के लिए आप इंग्लिश में क्या बनाओगे वट एल्स ठीक है अगला देखो तो क्या तब क्या या फिर क्या ये तीनों का मतलब सेम ही है इसको आप इंग्लिश में कैसे बनाओगे वट दैन ठीक है वट दैन ये तीनों सेंस को कवर करता है ठीक है अगला देखो जब कभी वन एवर जब कभी एक बार और है तो आप वन सो एवर का भी यूज़ कर सकते हो ठीक है इन दोनों में हल्का सा फ़र्क है आप दोनों को एक दूसरे की जगह पर यूज़ कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन वैन सोएवर so का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें किसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा ही जोर देना होता है वैन सो एवर ठीक है तब हम सो so का यूज़ लगा देते हैं बीच में बाकी दोनों का मतलब सेम ही है ठीक है अगला देखो कहाँ से जहाँ से तो आप इसकी इंग्लिश बनाओगे वेंस डब्ल्यू ई एन सी ई वेंस आगे देखिए जबकि जबकि को आप इंग्लिश में कैसे बनाओगे वेयर एज ठीक है अगला है जिसमें अब जिसमें की इंग्लिश क्या होगी वेयर इन अगला देखो किन लोगों के साथ इसके लिए आप कैसे बनाओगे इंग्लिश में विद हु पीपल ठीक है विद हु पीपल अगला देखो मेरा कौन सा भाई विच ब्रदर ऑफ माइन ठीक है तुम्हारी कौन सी बहन विच सिस्टर ऑफ योर्स और लास्ट है ऐसा क्यों तो इसकी इंग्लिश होती है वाई सो सही है तो इस एपिसोड में आज के लिए इतना ही काफी है आगे मिलते हैं कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मुझे आशा है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ताकि उनको भी इसका बिल्कुल फायदा मिले सब्सक्राइब कीजिए टॉपर्स स्टडी सर्कल चैनल को और घंटी का निशान जरूर दबाइएगा ताकि इंग्लिश सीखने की एक भी वीडियो मिस ना हो गुड लक गाइज